आज हम ग्राम पंचायत सलमपुर सनी के जगन्नाथपुर गांव में आए हैं और ये कहलगांव प्रखंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। श्रीमती सुनीता देवी मुखिया जी के माध्यम से एक बिल्कुल नवसृजित रोड बन रहा है। एक सृजन कार्यक्रम मुखिया जी द्वारा शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत इस गांव में बिल्कुल नया रोड का सृजन किया गया है और इस योजना के तहत देख लीजिए सर, ये मेन रोड आया हुआ है, नहर से मेन रोड आकर के और ये गांव के तरफ गया है। इस मुख्य पथ से इस रोड का बिल्कुल नया सृजन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक बिल्कुल नया सृजन हो रहा है और एक योजना हम लोगों ने अपने स्तर पर चलाई है। जिस टोले मोहल्ले में रोड नहीं है उस टोले मोहल्ले को रोड से जोड़ने की योजना रियल में बिहार सरकार की भी है, लेकिन सभी जगह ज़मीन अधिग्रहण करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है हमारे मुखिया जी के माध्यम से कि एक सृजन कार्यक्रम के तहत नया रोड का सृजन किया गया है, जिसमें जो भी व्यक्ति समाज का हो परिवार का हो वो चाहे कि हमको रोड बनाना है तो उस ज़मीन को समझा बुझा करके बातचीत करके सब भाई आपस में मिल करके और जो भी गांव टोले के मोहल्ले के लोग हैं वो मिल करके एक सृजन कार्यक्रम के तहत एक रोड का सृजन किया गया। आप देख रहे हैं ये झाड़ी बुहाड़ी दिखाई दे रहा है आपको, कुछ दिन बाद फिर मैं एक नया वीडियो लाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि झाड़ी बुहाड़ी ख़त्म हो जाएगा, इसमें आपको रोड दिखाई देगा। यही देखिए धीरे धीरे रोड यहाँ पर मुड़ा है और रोड इधर से आ करके आप जो सामने घर देख सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है, अड्डा पर लोग जाते आते थे। ये रोड सृजन कार्यक्रम के रोड बनाया जा रहा है, इसको हम लोग इस खेत होते हुए इस ज़मीन को पहले ग्रामीण स्तर पर लिखवाएं, फिर इसको सरकार से राज्यपाल को, सरकार को तो राज्यपाल हेड होता है ज़मीन का, भूमि सुधार विभाग का, तो राज्यपाल को ज़मीन लिख देंगे और इसके तहत ये रोड बनाया जा रहा है। देखिए इतना बड़ा घर बना लिया है, रोड ही नहीं है, बिहार का आदमी भी अनोखा है, जहाँ तहाँ घर बना लेता है, समझता बुझता नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो ज़मीन जगह यहाँ पर है तो कहाँ जाएगा, तो बना लिया। रोड था ही नहीं, फिर 10 बरस से बोला है रोड बनाएंगे, बनेगा कैसे, ज़मीन ही नहीं है, मतलब रोड के लिए ज़मीन नहीं है, रोड का ज़मीन का सृजन किया गया है, दे रहा है। देखिए आगे जो घर दिखाई दे रहा है अमरुद गाछ के बगल में, पीछे नारियल का दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप, जब कभी इस रोड का पक्कीकरण होगा मैं उसकी वीडियो आप पर इस ऑल इन वन कैम्पेक्टेक मिस्टर दिग्विजय सिंह के चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। दीवाने ने मुझको भी
वो जो नारियल गाय दिखाई दे रहा है पीछे वाला, ये घर टूट जाएगा और टूट करके रोड आगे तक जाएगा। ठीक है, मैं एक इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने भी घर हैं, जितने भी इस तरह मोहल्ला है जहाँ पर हमारी पंचायत जो सलमपुर सैनिक ग्राम पंचायत में पड़ता है, माननीय मुखिया श्रीमती सुनीता देवी ने एक नवसृजित योजना चलाई है, जिसमें जो भी गांव में, जो भी टोले में, जिस जो घर रोड से वंचित है, उस घर में मुख्य पथ से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार के भी थी, लेकिन वो जमीन अधिग्रहण करना था, बहुत टफ काम है, इसलिए करके इस रोड को मैंने सृजन कर एक नई दिशा देने का काम हमारे मुखिया जी के माध्यम से हो रहे हैं। आप देखिए रोड वहाँ मुख्य रोड है, और जब ये बन जाएगा मैं आपको वीडियो एक बार और डालूँगा, इससे अंदाज़ लग सके हम लोग किस ढंग का अनोखा अनोखा काम मुखिया जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय गांव, जय पंचायत।